आज के टाइम में शायद ही कोई पर्सन हो जिसके पास स्मार्टफोन ना हो। आप 5 से लेकर 10 हजार रुपए में या फिर 25, 30, 50 हजार से लेकर लाखों के फोन को आजकल रोड पर या मार्केट में यूं ही लेकर निकल पड़ते हैं। आपके हाथ से फोन झटकना किसी चोर के लिए उतना ही आसान है जैसे किसी पेड़ से फल तोड़ना। फोन चोरी होने से आपका सिर्फ फोन ही नहीं जाता बल्कि आपके डेटा सेफ्टी पर भी खतरा होता है। फोन में तमाम बैंकिंग और UPI एप्स होते हैं, ऐसे में आपका फोन किसी खुली तिजोरी की तरह कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप ये सुनकर टेंशन में आ गए हैं तो आपका काम गूगल ने आसान कर दिया है। गूगल ने 2 ऐसे खास फीचर्स पेश किए हैं जिनकी मदद से आपका फोन चोरों के लिए किसी कबाड़ से ज्यादा नहीं रह जाएगा, यानी चोरी के बाद वो फोन इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे। साथ ही आपको फोन को आसानी से ट्रेस करने और उस तक पहुंचने में भी आसानी होगी। गूगल ने चोरी हुए डिवाइस की सिचुएशन में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के उद्देश्य से नया एंटी थेफ्ट फीचर लॉन्च किया है। ये फीचर सभी एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अवेलेबल होगा। गूगल के इस नए अपडेट में थेफ्ट डिटेक्शन लॉक, ऑफलाइन डिवाइस लॉक और एक बेटर रिमोट लॉक फंक्शन शामिल है। इन नए फीचर की मदद से यूजर्स को फोन को दूर बैठकर लॉक करने में मदद मिलेगी। गूगल के मुताबिक ये थेफ्ट डिटेक्शन लॉक डिवाइस के सेंसर के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आम चोरी से संबंधित हरकतों की पहचान करता है। चलिए मैं आपको ये एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा देती हूँ। अगर जैसे किसी यूजर के हाथ से फोन छीन लिया जाता है और भागने की चोर कोशिश करता है तो ये फीचर डिवाइस को अपने आप लॉक कर देगा जिससे सभी एप्लीकेशन और डेटा तक कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऐसे में जब कोई फोन इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो उसे चुराना किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं होगा। ये फीचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है। ऐसे में अगर बाइक चलाते समय या कार चलाते समय कोई आपका फोन चोरी करने का प्रयास करता है तो भी ये इसे ट्रैप से जुड़ी हरकतों को पहचान लेगा। वहीं इसका ऑफलाइन डिवाइस लॉक फीचर डिवाइस को लॉक करके सुरक्षा को और बढ़ाता है। अगर कोई चोर इसे लंबे समय तक बंद करके रखे तब भी ये डिवाइस लोकेशन का पता कर लेता है। इसके साथ ही गूगल ने रिमोट लॉक का फीचर भी पेश किया है। इस फीचर के साथ यूजर्स अपने फोन नंबर का इस्तेमाल करके अपने फोन को दूर बैठे लॉक कर सकते हैं। विशेष रूप से ये फीचर तभी उपयोगी साबित होता है जब फाइंड माई डिवाइस ऑप्शन काम ना कर रहा हो या फिर गूगल अकाउंट को एक्सेस ना कर पा रहे हो। गूगल ने अपने नए अपडेटेड फीचर में ये सब जारी किया है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि कौन से एंड्रॉइड डिवाइस में ये अपडेट देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में यूजर्स गूगल प्ले की मदद से अपने एंड्रॉइड वर्जन को अपडेट कर लें। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितना काम का ये फीचर, आपकी क्या राय है इस पर, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी नाइन। बहस के नाम पर मुर्गों की लड़ाई, कहीं का दर्द कहीं की दवाई, चिल्लाते चीखते खबरों के थिएटर मगर काम की खबर रत्ती भर। खूब कीजिए खबरों से मनोरंजन लेकिन जेब की भी चिंता कीजिए भगवान। काम की खबरें जाननी है तो जुड़े मनी नाइन के साथ। सब्सक्राइब करें मनी नाइन का YouTube चैनल।